हेलो फ्रेंड, तो इस वीडियो में आईसीएसई बोर्ड क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 एक्सपेंशंस की एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर ये मैंने कुछ फार्मूले लिखे हैं जिन्हें आप लिख लें और लर्न कर लें, जो कि इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने में अप्लाई होंगे। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 नोट डाउन कर लिया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर इजकल टू 47 एंड ए नॉट इजकल टू 0 फाइंड। पार्ट 1 में हमें ए प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू फाइंड करनी है और पार्ट 2 में ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले पार्ट 1 के लिए यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो देखिए, अभी मैंने आपको आइडेंटिटीज कुछ दिखाई थी जिन्हें आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए मैं उसी में के एक आइडेंटिटी लिखता हूँ ए प्लस वन अपान ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस वन अपान ए का होल स्क्वायर। इसका हम लोग होल स्क्वायर लिखेंगे इजकल टू में ए स्क्वायर प्लस वन अपान ए स्क्वायर प्लस 2। ये तो हमें क्या करना है, हमें ए प्लस वन अपान ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हम लोग पार्ट 1 के लिए सोल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे पार्ट 1। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस वन अपॉन ए का होल स्क्वायर, इसको हम लोग एजिटी जैसे ही लिख लेंगे, इक्वल लगा देंगे यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर से हम लोग क्वेश्चन में देख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू दी गई है 47। तो यहाँ पर हम लोग ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर की जगह पर रख देंगे 47। तो ये मैंने रख दिया है और प्लस 2 है, तो इसे प्लस 2 करके लिख लेंगे। तो अब क्या करेंगे भाई, ये जो लिखा है इधर लेफ्ट हैंड साइड में ए प्लस वन अपॉन ए का होल स्क्वायर, इसको तो एडिटिव अभी ऐसे ही लिख लेंगे, इक्वल लगाएंगे और इन दोनों को प्लस करके लिख लेंगे। 47 और 2 को जब प्लस करेंगे तो 49 हो जाएगा। तो ये मैंने इक्वल में लिख लिया है। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर से नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो लिखा है ए प्लस वन अपॉन ए का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर हटा देंगे और इस पर 49 पे अंडर रूट लगा देंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो चलिए कर लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस वन अपॉन ए मैंने लिख लिया है, इक्वल लगाएंगे यहाँ पर और इसके ऊपर क्या कर देंगे, प्लस माइनस कर करके 49 के ऊपर अंडर रूट लगा देंगे। तो चलिए, हम लोग जानते हैं जो ये से अंडर रूट के अंदर जो 49 लिखा है, ये 49 7 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे ए प्लस वन अपॉन ए इजिकल टू प्लस माइनस 7। तो फ्रेंड, यही इस पार्ट 1 का आंसर है, ए प्लस वन अपॉन ए इजिकल टू प्लस माइनस 7। तो ये पार्ट 1 का हमें आंसर इसमें फाइंड करना था ए प्लस वन अपॉन ए का, तो ये हमने फाइंड कर लिया है जो कि प्लस माइनस 7 है, और इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। तो चलिए अब पार्ट सेकेंड भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जो अभी हमारा आंसर आया है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, उसे यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। ये मैंने नोट डाउन कर ली है, अभी जो इक्वेशन हमने लटकी है, जो आंसर आया था, इसे पार्ट 2 का आंसर लाने के लिए सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, इसका दोनों साइड में हम लोग क्यूब लेंगे। तो आप लिख लें टेकिंग क्यूब ऑन द बोथ साइड, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्यूब लेकर के इसे लिख लेते हैं। इधर मैंने ए प्लस वन अपन ए पर भी क्यूब ले लिया है, इक्वल लगाएंगे, और इधर प्लस माइनस 7 पर भी क्यूब ले लेंगे यहाँ पर। तो ये मैंने क्यूब ले लिया है। तो अब क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं ए प्लस वन अपॉन ए का होल क्यूब क्या होता है, मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा देता हूँ। ये होता है ए प्लस वन अपॉन ए का होल क्यूब इजिकल टू होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब प्लस 3 और ब्रैकेट के अंदर ए प्लस वन अपॉन ए, ये वही होता है इसका क्यूब, ए प्लस वन अपॉन ए का होल क्यूब ये होता है। तो हम लोग इसकी जगह पर से ये फार्मूला लिख देंगे यहाँ पर। तो चलिए, ये मैंने लिख लिया है, इसे हटा देते हैं आप और इक्वल लगाएंगे यहाँ पर, और इसका मैंने प्लस माइनस का जो 7 लिखा था, इस पर क्यूब लगा था, तो इसका मैंने क्यूब करके लिख लिया है जो कि 343 है। तो अब क्या करेंगे, देखिए हमें पार्ट 2 में ए क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो इसे तो हम लोग एडिटिव ऐसे ही लिख लेंगे यहाँ पर। तो ए क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब और प्लस 3 हमने ऐसे ही लिख लिया। अब देखें यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है ए प्लस वन अपॉन ए, इसकी वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट से रख देंगे। तो देखिए ए प्लस वन अपॉन ए इजिकल टू प्लस माइनस 7 है, तो यहाँ पे रख देंगे ए प्लस वन अपॉन ए की जगह पर, इसकी जगह पर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर करके यहाँ पर से मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट के साथ में प्लस माइनस 7, ये मैंने
इसकी वैल्यू रख लिए। अब इक्वल लगाएंगे यहाँ पर और इसे एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे, प्लस माइनस 343। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर से ए क्यूब प्लस 1/a³ को एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे, और यहाँ पर प्लस लगाए तो प्लस लगा लेंगे, और इन दोनों के नंबर्स की मल्टीप्लाई करा के लिख लेंगे एक ब्रैकेट में, 21 हो जाएगा। तो प्लस माइनस से 21 ब्रैकेट लगा करके हमने लिख लिया है, और इक्वल लगाएंगे प्लस माइनस 343 एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर ए क्यूब प्लस 1/a³ को ऐसे ही लिख लेंगे और यहाँ पर इक्वल लगाएंगे, इक्वल लगा करके ये प्लस माइनस 343 ऐसे लिख लेंगे, और इधर ये जो था ये प्लस माइनस 21, ये इधर पूरा टर्म प्लस का था, इस साइड में आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा यहाँ पर। अब क्या कर देंगे यहाँ पर भाई, ये से ए क्यूब प्लस 1/a³ को एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे, इक्वल लगाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर 343 में से 21 माइनस कर देंगे, तब ये प्लस माइनस 322 आ जाएगा। तो फ्रेंड देखिए, पार्ट टू में हमसे ए क्यूब प्लस 1/a³ की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था, जो कि मैंने ए क्यूब प्लस 1/a³ की वैल्यू फाइंड कर ली है, इक्वल में प्लस माइनस 322। तो फ्रेंड यही पार्ट टू का आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगा है, क्वेश्चन समझ में आया है सॉल्यूशन उसका, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल की प्लेलिस्ट पर विजिट करें, वहां पर आपको कई ऐसी वीडियो मिलेंगी और अदर चैप्टर्स की भी वीडियो मिलेंगी। तो फ्रेंड अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो फ्रेंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।